इसको करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, जैसे अंगूठा है तो अपन डायरेक्ट ऐसे कर्व नहीं करेंगे, जैसे अंगूठी की लाइन स्ट्रेट जा रही ऐसे ये स्ट्रेट ड्रॉ। ठीक है, मैं थोड़ा और पास कर देगा, ये जो स्ट्रेट जा रही है इसे स्ट्रेट ड्रॉ की। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे जा कर्व में रही है लेकिन अलग डायरेक्शन से, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, जरूरी नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ ये ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, थोड़े आगे की तरफ भी निकल जा सकते, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, फिर ये टॉप पे, अब देखना ये जो व्हाइट एरिया जो शाइन आ रही है ना, ये अपन इसकी आउटलाइन बना दी, अंदर वाली तो बाद में बना दी। ठीक है, फिर ये देखो एस, तो अब देखो ये फिंगर, ये सब स्ट्रेट करने के बाद ये फिंगर पे आते, फिंगर का टॉप देखो इधर गया ऊपर से फ्लैट, फिर ये डायरेक्शन, तो मैंने पेंसिल ली, ये लाइन खींची, ओके, फिर ये फ्लैट बनाया और फिर ये यहाँ, अभी जो व्हाइट एरिया दिख रहा है ना इसकी आउटलाइन है, ये अंदर वाला मत ड्रॉ करना, तो अब देखो थोड़े ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप शेप दिख रहा है, तो अपन को वैसे ही बनाना, ये थोड़ा अंदर की तरफ हल्का सा बाहर, फिर अंदर की तरफ, फिर यहाँ पे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, ऐसे तो देख सकते हो इस तरीके से थोड़े डायगनल में है ये। ठीक है, डायगनल में है ये और ये यहाँ के इस पे ज्वाइन, ये वाला जो आया ऐसे नीचे इस पे, तो इस एक बार में यहां से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां से लेके यहाँ आया और फिर यहाँ आया, अब ये वाली उंगली यहाँ पे जरूर स्ट्रेट है पूरे में, लेकिन अपन एक बार में नहीं बनाएंगे, तो इधर से इधर बनाया ऐसे ये वी शेप जो दिख रहा अपन को, फिर यहां से लेके यहाँ बनाया, फिर ये वी शेप जो दिख रहा अपन को, और फिर यहां से लेके यहाँ बनाया ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने एक और फिंगर कर लिया, यही सेम तरीका अपन पूरे हैंड में अपनाएंगे, लाइक तुम जरूरी नहीं है तुम ऐसे कंटिन्यूस चलते रहो, तो मैं एक एक का पकड़ लो, जैसे अपन ने अंगूठा पकड़ लिया इस साइड का, फिर ये फिंगर पकड़ लिया, अब नीचे वाला एरिया आओ, तो नीचे वाला एरिया कैसे आओ, यहाँ लाइन खींची, ये लाइन खींची थोड़े बाहर की तरफ, फिर ये अंदर की तरफ, ये वाला, और फिर ये नीचे स्ट्रेट आ गया। देखो अभी स्ट्रेट आ रहा है, अभी अपन स्ट्रेट लाइंस में बनाएंगे, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, फ्री हैंड पे सेट हो जाओगे तो कर्व बना सकते हो। ओके, पहले अपन लाइंस ही सीखते हैं, अब आते अपनी छोटी वाली फिंगर पे, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, और फिर ये अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सा हल्का सा वी शेप आता है, इसकी जो टिप आती है, जो ए शेप की टिप रहती है ना, सब में ए शेप है, देखो इसमें भी टिप में ए शेप आ रहा है, इसमें सब में जो है वो ए शेप है, जो ये उंगलियों की ये रहती है ना, ये लाइंस, इन्हें भी ड्रॉ कर लिया कर। ठीक है, अपन अगर हाथ ऐसे रखा है तो तुम अगर बाहर की आउटलाइन ड्रॉ करने के साथ साथ ये करो, जैसे ये आया फिर हल्का सा अंदर, ये आया फिर हल्का सा अंदर, ये आया फिर हल्का सा अंदर, तो शेडिंग के टाइम में हेल्पफुल रहता है, जैसे ये आया हल्का सा अंदर यहां से लेके स्ट्रेट, तो अपन को क्या रहता है एक मेजरमेंट के नजरिए से भी देखो तो भी अच्छा रहता है। ठीक है, अब इस वाली फिंगर पे आओ, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, देखो ए शेप दिख रहा अपन को, ये थोड़ा फ्लैट, फिर यहाँ, फिर अंदर, थोड़ी अंदर की तरफ आ गई, ये आया फिर थोड़ा अंदर की तरफ, ये आया फिर थोड़ा अंदर की तरफ, तो मैंने क्या किया, ये सब स्ट्रेट लाया मैं और थोड़ा अंदर अंदर की तरफ ले गया। सेम चीज यहाँ करेंगे, ऊपर आए, ये अपना जो ए शेप बनता है, अब देखो जैसे इसमें तुम्हें गलती क्या करोगे, ये अंदर की तरफ ले जाओगे इसमें, जबकि नहीं तुम्हें यहाँ रखना है, ये हल्का सा अंदर, ये ऐसे रखना है, फिर हल्का सा अंदर, ये स्ट्रेट और फिर यहाँ। तो अपन ने क्या किया, अपन ने पूरे हैंड जो यहाँ से कर्व रहता, अब तुम्हारा हाथ यहाँ से ऐसे रखो तो एक कर्व दिख रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ, तो मैंने क्या किया, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ऊपर स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो मैं जब ड्रॉ करूंगा तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन 4 सेंटीमीटर है, ये 3.5 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1.2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5.8 है। इस तरीके से मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ एक क्रॉस सेक्शन से लेके दूसरे क्रॉस सेक्शन, लेकिन कर्व में नहीं कर सकता मैं वो डिटरमाइन, इसलिए पहले स्टार्टिंग में अपन ऐसे लाइंस बना के सीखते हैं। ओके, तो इतना करो पहले, तो अब क्या करना है अपन को, अपना ये हिसाब बनता है, अगर यहाँ से लो तो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन साइडेड एक हेप्टागन का, तो अपन ने लिया इसका, अब एक ही साइड से मेजरमेंट लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी ले रहे हो यहाँ से भी ले रहे हो, एक साइड ले लो, लाइक इधर से लूंगा मैं, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं से भी ले सकते हो,
लेकिन एक साइड ये होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट का लिया, तो ये कितना लेफ्ट है राइट है इस पॉइंट का, ये है 3.8 सेंटीमीटर। अब कितना ऊपर है नीचे से, 14.2। तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग लगाऊंगा ऐसे, मैंने लगाई 3.8 पे। अब ये एक लाइन खींचेगी यहाँ से, तो एक पॉइंट मिला। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा अपना, ये वाला देख रहे हो, ये इंडेक्स फिंगर के बीच वाला, ये वाला पॉइंट। तो ये इस पॉइंट, इस लाइन से कितना राइट है, तो ये निकलता है 4.7 सेंटीमीटर। और ऊपर से कितना नीचे है ये, 10.5। तो मैंने 10.5 ऊपर से नीचे लगाया, ओके। और ये कितना था, ये था 4.6। तो यहां से मैंने 4.6 ऐसे मार्क किया, तो मेरे को दूसरा पॉइंट मिला ये वाला। मैं हल्का सा शेड ही कर रहा हूं, मैं ऐसे भर के नहीं कर रहा, हल्का सा शेड किया मैंने, ओके। तो एक्स्ट्रा पॉइंट आते जा रहे हैं वो हटाते जाओ, वरना बाद में कंफ्यूजन पैदा होता है। अब अपन करेंगे इस, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना नीचे है ऊपर से, तो ये आता है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने 8 सेंटीमीटर पे ऐसे मार्किंग लगा दी, मतलब मेरा अगर पॉइंट आएगा तो वो इस लाइन पे आएगा, ठीक है। अब यहां से कितना दूर है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से भी 1 सेंटीमीटर दूर है। तो इस लाइन पे 8 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया, ओके। तो चौथा पॉइंट निकालने के लिए कितना नीचे है ये, तो ये है 10.5 सेंटीमीटर नीचे। तो मैंने 10.5 सेंटीमीटर नीचे ऐसे एक मार्किंग लगा। ये मार्किंग जब मैं लगाता हूं तो मैं उस पर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूं, जब मैं ऊपर से लेता हूं, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली, क्योंकि मैं ऊपर से मेजरमेंट ले। जब मैं लेफ्ट साइड से लूंगा तो इसके पैरेलल खींचूंगा, जो इस पे परपेंडिकुलर आएगी, तो क्रॉस सेक्शन मिलता है अपन को। तो इस पॉइंट का कितना हुआ, यह हुआ 12.5। तो मैं स्केल रखूंगा 12.5, यहाँ आएगा। तो मेरे को पॉइंट मिल गया, जो पॉइंट मिल रहा उसके बाद ये लाइन से रेज करते जाओ, ठीक है। तो अपने को 3 पॉइंट 4 पॉइंट मिल गए। अब होता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना नीचे है, ये है 14.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। इस तरीके से मैंने लाइन खींच ली, कितना राइट है ये निकल के आता 13.5, ठीक है। तो अपने को अपना फिफ्थ पॉइंट मिल गया, ओके। इतना करो तरह ये वाला पॉइंट अपन देखें अगर, तो ये कितना ऊपर है नीचे से, ये वाला कलाई वाला, तो ये आता 9.5। और कितना है 8.5। तो मैंने 9.5 यहां मार्क किया ऐसे, और इस पे 8.5 कट किया। अब एक बात ध्यान रखना, ये पॉइंट है ये ऐसे थोड़ा सा नीचे लाओ इससे, ये जो पॉइंट था ना इससे थोड़ा सा नीचे लाए और यहां ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब बसता है बस एक पॉइंट, जो बाहर की तरफ निकल रहा है ना हाथ में, ये वाला जो पोर्शन अपन ऐसे करते हैं ना हाथ में, सबके में नहीं निकलता, जैसे मेरे में तो पूरा फ्लैट आ रहा है, इनके में निकल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना ऊपर है, ये आता 10.7 और 6.5। तो 10.7 ऊपर और 6.5 इधर, तो ये वाला पॉइंट। तो अगर मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाऊं, मैं डायरेक्ट इसे यहां से यहां ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अभी थोड़ा जब बना के चल रहा हूं एक हिसाब, ठीक है, एक हिसाब बना के चल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, जैसे देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर है, और फिर इस डायरेक्शन इसमें टच है, ठीक है। ये तो जो नीचे जा रहे हैं हाथ इस तरीके से अंदर आए, फिर ऐसे यहां, ये हाथों का एक बार डिस्टेंस देखना, ये आता है 5.4 के आसपास, 5.4 यहां मार्क कर लो, ऐसे बाहर की तरफ है और फिर ये क्रॉस, ये जो डिस्टेंस है अपने रेफरेंस में मेजर करो कितना है, वही तुम्हारा डिस्टेंस ये होना चाहिए। इनको कैसे ज्वाइन करना, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसे थोड़ा ऐसे फ्लैट सा रखना, फिर इधर पे जाना और फिर इधर पे आना। देखो मैं पेंसिल इधर पकड़ा, मैं चाहूं तो इधर पकड़ सकता हूँ, लेकिन वो गूदना कहलाएगा, वो स्केचिंग ही कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं ऐसे अंदर की तरफ आया, देख सकते हो मैं इस तरीके से आया और इस तरीके से आया। ये वाला जो पॉइंट है यहां से फिर मैं ये अंगूठे वाला पॉइंट हिस्सा हो जाता है, और इसको मैंने यहां ज्वाइन किया,
तो ये जो हिसाब है ये मेरे एक हाथ का शेप बनता है अगर मैं देखूं तो, ये हाथ का एक बेसिक शेप बनता है कि यहाँ से अंगूठा जाएगा, यहाँ से मिडिल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये लिटिल फिंगर है, तो इस तरीके से अपना एक हिसाब बनता है। तो ये बनाओ पहले, ओके, अपन इसे अच्छे तरीके से उंगलियों की शेप देने के लिए अपन ने टिप की लिया, ठीक है, तो उंगली की टिप कहाँ पे है, 3 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर राइट, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये जो है ये वाला पॉइंट, ये अपनी टिप है। अब अपन को एक और पॉइंट चाहिए, अपन इसे डायरेक्ट यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, ये ऊपर उठा है, अगर मैं स्केल रखूं यहाँ से, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये उंगलियां थोड़ी ऊपर जा रही हैं, कोई परेशानी नहीं है, अपन इसको हिसाब में लेकर ड्रॉ करेंगे, यहाँ आ रहा है ये। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट अपनी उंगली का, ये जो हिस्सा आता ना ये, तो कितना नीचे है ये 13.5 सेंटीमीटर नीचे और 1.5 सेंटीमीटर राइट, तो 13.5 सेंटीमीटर नीचे और 1.5 सेंटीमीटर राइट, ये। अब ऐसा नहीं है कि अपन इसे डायरेक्ट ऐसे यहां से ये स्ट्रेट लाइन कर दो, एक ये देखो स्ट्रेट है, भले ही अंदर जा रहा है ये वी शेप, लेकिन अपन इसे क्या करेंगे, इसे स्ट्रेट। अब तुम्हें क्या करना, स्केल लो, ऐसे हल्का सा एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, क्योंकि इतनी लंबी अभी तुम एक बार में नहीं खींच पाओगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। और अब इसको क्या करना, इसको इस पे ज्वाइन करना है अपन को, इस वाले पॉइंट पे, तो इस पे भी स्केल ले लेना और ऐसे ज्वाइन कर देना। तो ये जो अपना हाथ का शेप है, मतलब अपनी जो फिंगर्स हैं वो इसके अंदर आ रही, जो शॉर्ट मिडिल फिंगर है वो यहाँ पे आई है करीब, थोड़ा इस लाइन के ऊपर निकल रही है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये जो बनता है एक अपना, ये हैंड का बेसिक शेप हो जाता है कि अपना हाथ जो है इस डायरेक्शन में ऐसे आ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अपन जो फेयर ड्रॉ करना देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में।